मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़ाया। कुक्षी तहसील में पुलिस की सक्रियता से 9 नाबालिग लड़कों को वाहन चोरी के आरोप में पकड़ा गया। कुक्षी क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की लगातार घटनाएं बढ़ने से पुलिस काफी लंबे समय से चोरों की तलाश कर रही थी। चोरी की 15 मोटरसाइकिलों की अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख बताई गई है। योजना बनाकर कुक्षी पुलिस ने अलग अलग स्थानों से इन 9 नाबालिग युवकों को पकड़ा है। कुक्षी से सरदार सिंह देसाई की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में विगत 5-6 माह से लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आदित्य प्रताप सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर थाना प्रभारी सी ने एक टीम का गठन किया था, जो टीम रोजाना समय बेसमय चेकिंग करती थी और चारण भी बना देते। कल दिनांक को उप निरीक्षक दिलीप कड़वाल को सूचना मिली कि ब्राइट स्कूल के सामने से एक स्कूटी चोरी गई थी, वो लेके बाजार में कोई घूम रहा है। उनके द्वारा तत्काल टीम गठित कर उसको पकड़ा, जो विधिवृत बालक पाया गया, जिसे से मोटर स्कूटी जब्त की। स्कूटी जब्त करके उससे पूछताछ किया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उस गैंग में 9 लोग हैं और उस गैंग का नाम है नालायक गैंग। उनके द्वारा लगातार मोटरसाइकिलें चोरी कर रही थी। तीन विधिवृत बालक को और पकड़ा। उनके द्वारा 23 मोटरसाइकिल चोरी करना बताया, जिसमें से चारों की निशादेही पर 15 मोटरसाइकिल जब्त हुई है। 15 मोटरसाइकिल की कीमत करीब 16 लाख रुपये है और इनके 2 साथी जो ये मोटरसाइकिल वारदात करने का तरीका था, कहीं पर भी वो मोटरसाइकिल देते थे उसका ताला तोड़ के डायरेक्ट कर लेते थे और मोटरसाइकिल को ले जाके सुनसान जगह पे खड़ी कर देते थे। और एक बाप का आरोपी है रौनक और एक शाम टांडा का, उनको बेच देते थे। उनको एक मोटरसाइकिल की कीमत 2-2.5 हज़ार रुपये देते थे और वो उनको ताला तोड़ना और मोटरसाइकिल ये कैसे चलाना ये उन्होंने सिखाया था 2 आरोपी ने, और लगातार ये वारदात कर रहे हैं। अभी 15 मोटरसाइकिलें जब्त हुई है, 2 आरोपी फरार है, जिनसे 8 मोटरसाइकिलें जब्त करना शेष है और विधि विरुद्ध बालकों के विरुद्ध कानूनी प्रावधान के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।